हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेन फीचर्स ऑफ कंपनी। राइट, कि एक कंपनी के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कि एक कंपनी को कंपनी लाइक कौन से ऐसे उसके फीचर्स हैं जो कि एक कंपनी को एक कंपनी बनाती है। राइट, तो ये हमारा लेक्चर होने वाला है। पर उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से हमारे इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा जो मेंबरशिप प्लान है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आप टाइप करने के बाद जैसे ही हमारे चैनल पर सर्च करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको दिखेगा। राइट, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा कॉमर्स की पाठशाला यूट्यूब, इसके ऊपर आपको विजिट करना है। यह हमारा चैनल का फ्रंट पेज है। यहाँ पे आने के बाद आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिसको दबाने के बाद आप बीकॉम का जो कोर्स है, जो उसका मेंबरशिप प्लान है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा एग्जामिनेशन का, जो कि बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगी इस कोर्स में एनरोल करने के बाद। ठीक है ना? तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले थे मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी के बारे में। राइट, तो जो सबसे पहला फीचर है वो है क्रिएशन ऑफ लॉ। जो कंपनी होता है वो बाय लॉ क्रिएट किया जाता है ना? उससे पहले जो शुरू का पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ऑन एनालाइजिंग द वेरियस लीगल एंड juristic definitions of the company, you will observe that a company formed and registered under the Companies Act has certain special features which distinguish it from the other forms of organizations. है ना? यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जब हम लोगों ने पहले भी स्टडी करी थी, प्लस अगर जब अभी भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो कंपनी होता है वो नो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उसके पहले के जो कंपनीज एक्ट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी तैयार होता है। और कंपनी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण से उसको अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और उन्हीं फीचर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात है क्रिएशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे आप एक लॉ क्रिएट कर रहे हो, एक लॉ के तहत एक कंपनी क्रिएट हो रही है। A company is an association of person. A company क्या होती है? एक association of person होती है जहाँ पे दो या दो से व्यक्ति जो है साथ में मिल करके काम करते हैं। Except in case of one person company, बहुत बारी OPC भी खुला आता है जिसे हम one person company कहते हैं। उसको छोड़ करके जो यहाँ पे बात बोली जा रही है वो ये है कि जो ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, मतलब एक या माई मीन दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है साथ में मिल करके अपनी कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर कराते हैं। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज सो रजिस्टर्ड। और ये एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब आप इसको रजिस्टर करवा लेते हो। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज और इज टू। जो मिनिमम नंबर जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो दो है, और सात मेंबर्स होने चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में यहाँ पे जो है टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड सेवन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, है ना? तो पब्लिक कंपनी में जो है सात हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओनली वन पर्सन कैन फॉर्म अ वन पर्सन कंपनी। अब जो वन पर्सन कंपनी अगर आपको वो तैयार करनी है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति उसमें होने चाहिए। देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज, अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम सात लोग चाहिए किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट और पब्लिक की बात यहाँ पे की जा रही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है, क्योंकि इसका एक अपना पैन कार्ड होता है, इसका अपना एक बैंक अकाउंट होता है, और इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अ कंपनी इज क्रिएटेड विद द सैंक्शन ऑफ लॉ एंड इट इज नॉट इटसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये जो है ह्यूमन बीइंग नहीं होता, बट इसको एज ए इंडिविजुअल ही ट्रीट किया जाता है। इट इज देयर फॉर कॉल आर्टिफिशियल, और इसके कारण से इसे जो है आर्टिफिशियल या फिर अप्राकृतिक बोला जाता है। एंड सिंस इट इज क्लोथ्ड विद अ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इट इज कॉल्ड अ पर्सन। और चूंकि इसके ऊपर जामा पढ़ाया पहनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के, इसीलिए इसे जो है एक पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है। अ कंपनी इज अकॉर्डिंगली एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना? थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। So unlike partnership, company is distinct from the persons who constitute it. तो पार्टनरशिप की तरह
या फिर पार्टनरशिप की तरह नहीं, पार्टनरशिप को छोड़ करके आप अगर सोचोगे तो जो भी कंपनी क्रिएट हो रही है वो कंपनी जो है अपने मेंबर्स के साथ, जो भी उसके मेंबर्स हैं उसके साथ वो अलग होगी, उसका उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, मेंबर्स का कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा और कंपनी का मेंबर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, उनका बस उस कंपनी में शेयर होगा। सेक्शन 9 सेज दैट ऑन रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ अ बॉडी कोऑपरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। अब यहाँ पे एक तरीके से आपको ये मेंशन कर देना है कि कौन कौन से लोग मिल करके इस चीज को चला रहे हैं, लेकिन चलाने का मतलब ये नहीं है कि उनका स्वामित्व उनके पास है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है शेयर का खेल होता है, यहाँ पे जो है एक तरीके से जो भी आपकी ओनरशिप होती है उसका खेल होता है। तो पार्टनरशिप की तरह नहीं है ना, अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की तरह नहीं, कंपनी जो होती है वो डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द पर्संस हु कॉन्स्टिट्यूटेड, जो इनको तैयार करते हैं। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इनके बीच में एक केस लड़ा गया था काफी पहले, जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि कंपनी जो है वो अपने अपने जो एम्प्लॉयर हैं उसके साथ वो अलग है या फिर ओनर्स के साथ वो अलग है। आप इसको चाहो तो इत्मीनान से इसको स्टडी कर सकते हो, बट मैं डिटेल में इस बारे में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं उनको यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा केस है यहाँ पे बताया गया है, इसके नीचे भी एक छोटा सा केस है, आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आप चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है ना। अ मेजर एडवांटेज एंजॉयड बाय अ कंपनी इज दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है वो लिमिटेड है। आप कैसे लिमिटेड, सोचो सपोज कंपनी डूब गई या फिर कंपनी जो है किसी तरीके से भाग जाती है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में आप पैसे क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी के पास जो 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 भी एसेट्स हैं आप उसको बेच करके आपके पैसे जितने वापस आ जाए आ जाए, लेकिन आप पर्सनली जो भी जिसने भी उस कंपनी को स्टार्ट करा है आप उसके ऊपर किसी भी तरह का आपका कोई क्लेम नहीं बनता है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम जो है नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी को एक बहुत ही मेजर एडवांटेज मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेंबर्स को एक बहुत ही मेजर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो वहां पे बहुत ही लिमिटेड होती है। सो द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, इट्स मेंबर्स आर नॉट एज सच एज लायबल फॉर इट्स डेट्स, है ना। तो यहाँ पे जो कि सेपरेट पर्सन है, कंपनी जो है उनके लोगों से अलग है, जिसके कारण से कंपनी की जो लायबिलिटी होगी उसके लिए वो लोग दायित्व में नहीं होंगे। यू विल लेटर स्टडी that on the basis of liability companies may be classified, तो liability के basis पे आप companies को classify कर सकते हो। एक तरह की company को हम बोलते हैं companies limited by shares, companies limited by guarantee, companies limited by guarantee but having share capital and unlimited liability companies, मतलब ऐसी company जिसकी कोई liability मतलब बहुत ज्यादा liability होती है, कोई नहीं बहुत ज्यादा liability होती है ना। और डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लिमिटेड बाय लायबिलिटी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे पूरा टॉपिक, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर है सेपरेट प्रॉपर्टी। Now, shareholders are not in the eyes of the law part owners of the undertaking, है ना? Shareholders जो होते हैं वो हमारे इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पार्ट ओनर्स नहीं होते, है ना। वो ओनर्स होते हैं बट पार्ट ओनर्स नहीं होते। पार्ट ओनर्स का मतलब है कि जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, है ना, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, जिनके पास बड़े बड़े शेयर्स हैं जिसके कारण से उनको वोटिंग राइट मिलती है। इन इंडिया Principle of separate property was best laid down by the Supreme Court in Bacha F. Gulzar versus Commissioner of Income Tax Bombay, Supra. इनके बीच में एक केस हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, the Supreme Court held that a shareholder is not the part owner of the company or its property. एक shareholder जो होता है वो part owner नहीं होता है company का. He is given only certain rights by law. लेकिन उसके पास कुछ rights दिए गए हैं उसको law के according to vote, जहां पे वो voting कर सकता है, attend कर सकता है meeting को और dividends को receive करता है. तो वो part owner नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। हाँ, हालांकि उनके पास कुछ कुछ राइट्स होंगी, कुछ कुछ कानून जो है अधिकार जो है उनके पास होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे कि वो वोट कर सकते हैं, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ वो डिविडेंड्स को भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट ओनर नहीं होंगे, मतलब वो कोई बड़े ओनर नहीं होंगे जिनके कहने पर कुछ भी जो है वो बदल जाए, है ना। अब ये जो लाइन यहाँ पे बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहां पे नीचे में एक केस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि है अमाकाउरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। इसका रेफरेंस देकर के कंपनी हाई कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को, इस केस को एक तरीके से वैलिड माना था और सेपरेट प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो बना था, है ना। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन।
टर्म परपेचुअल सक्सेशन मींस द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई कंपनी जो होती है वो हमेशा चलती रहती है, उसको बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स एक तरीके से जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको बंद ना करना चाहे। मतलब कंपनी कभी भी रुकती नहीं है, ना ही वो मरती है, जैसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है लेकिन कंपनी की जो है डेथ नहीं हो सकती। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाई रीजन सच एज द इंसॉल्वेंसी, डेथ, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ इट्स मेंबर्स, है ना। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता इन सारे रीजंस के होने के बावजूद, जैसे कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, किसी का डेथ हो गया, या फिर किसी के मेंबर जो इसके मेंबर्स हैं उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, पागल हो गए हैं, है ना। इस तरह के केसेस में भी कंपनी जो है वो बंद नहीं हो सकती है। द कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स मे कम एंड मेंबर्स मे गो आउट। मेंबर्स आते हैं पर मेंबर्स जाते भी हैं, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है। इट कंटिन्यूज इवन इफ ऑल इट्स ह्यूमन मेंबर्स आर डेड। ये तब भी चलती रहेगी जब भी जबकि इसके जो ह्यूमन मेंबर्स हैं वो भी डेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्पल का नाम सुना होगा। हालांकि एप्पल को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाकी ने स्टार्ट किया था। स्टीव जॉब्स तो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन स्टीव वोजनियाकी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब स्टीव वोजनियाकी भी नहीं रहेंगे तब भी एप्पल कंपनी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इसको कौन चलाएगा, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है, जिनके पास कंपनी के शेयर ज्यादा होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, राइट। तो कंपनी जो है कभी भी बंद नहीं होती है। इवन वेयर ड्यूरिंग द वॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी व्हाइल इन जनरल मीटिंग वेयर किल्ड बाय अ बॉम्ब द कंपनी सर्वाइव्ड, है ना। तो वॉर के टाइम पे भी सपोज एक प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर्स को मार दिया गया, उस केस में भी जो कंपनी जो है वो मरती नहीं है, वो जिंदा ही रहती है। नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड इट। इवन जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है, वो भी इसको एक तरीके से खत्म नहीं कर सकता। इन द एफोरसेड इवेंचुअलिटी द लीगल सक्सेसर ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर्स विल बिकम द मेंबर्स। अब जब भी ऐसा केस होगा तो उनके जो सक्सेसर्स होंगे, जो उनके बाद के जनरेशन वाले लोग होंगे, वो उनकी जगह ले लेंगे और वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएंगे, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। बट दिस डज नॉट मीन दैट अ कंपनी कैन नेवर बी केम टू एन एंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक कंपनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती या फिर उसका कभी भी खात्मा नहीं होगा। यू लर्न दैट अ कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ। जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि हम लोग कंपनी जो है एक क्रिएशन ऑफ लॉ होता है, उसी तरीके से इसको भी लॉ के तहत ही एक तरीके से बंद भी किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रॉट टू एन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। आई होप कि आपको परपेचुअल सक्सेशन समझ में आ गया होगा। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो एक कंपनी की एक फीचर होती है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि सबको आजादी नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा हद तक भी आपको आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको ये एक तरीके से अलाउ किया जाएगा कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सको। देखते हैं। वन पर्टिकुलर रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज बीन दैट देयर शेयर्स आर केपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर्ड। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें एक तरह का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, जिसके कारण से ये कंपनीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कि इनके जो शेयर्स है उसको ट्रांसफर किए जा सकते हैं। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर। जो पब्लिक कंपनी होती है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, PSUs हैं, उनके ट्रांसफर को उनके शेयर्स को बहुत ही इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, बहुत ही फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अ शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर। एक व्यक्ति जो है अपने शेयर्स को किसी और व्यक्ति को भेज सकता है विदाउट बाकी सारे मेंबर्स के कंसेंट। हो सकता है कि उसने बाकी सारे मेंबर्स से नहीं पूछा हो, लेकिन फिर वो अपने शेयर्स को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इवन ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन पुट अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट इट कैन नॉट ऑल्टुगेदर स्टॉप इट। तो पब्लिक कंपनी के क्षेत्र में भी कुछ कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा करके शेयर्स के ट्रांसफर को रोका जा सकता है, बट आप कंप्लीटली इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक कंपनी पोजेस फुल्ली पेड अप शेयर्स इज एट लिबर्टी टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनीवन ही लाइक्स इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली गई कि एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी का फुल्ली पेड शेयर है, मतलब उसने जो है सारे पैसे पे कर दिए हैं उस पर्टिकुलर शेयर के। सपोज उसके पास 100 शेयर है 100 रुपए करके, मतलब 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए उसने पेमेंट कर दिए, मतलब 100 शेयर उनका हो गया, है ना। तो 100 शेयर का वो कुछ भी करे, वो अपने पास रखे, किसी को दान कर दे, किसी को ट्रांसफर कर दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर 10,000 रुपए में से आपने 5,000 रुपए पेमेंट किए, 5,000 रुपए आपके पेमेंट करने बाकी हैं, मतलब आप सिर्फ 500 शेयर को ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। आप ज्यादा जितने की आपके पास आपके पास पैसे होंगे आप उतने की ही ट्रांसफर कर पाओगे। जितने भी आपके पास फुल्ली पेड शेयर होंगे आप उतने के ही शेयर को आप ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ पे ये बात बोली गई है।
है ना। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये चीज जो है की जाती है। यहाँ पे देखो बोल्ड में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बोला गया है, आप चाहो तो इसको रीड एक बार कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के क्षेत्र में क्या होता है देखो, हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स, बट द राइट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट टेकन अवे एब्सोल्युटली इवन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, है ना। तो उसमें भी वही बात है कि अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो भी आप उससे ट्रांसफर करने का जो हक है वो आप उससे नहीं छीन सकते, लेकिन हाँ आप कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन जो राइट ऑफ टू ट्रांसफर है वो राइट आप उससे कभी भी छीन नहीं पाओगे। आप एब्सोल्युटली आप उनसे जो है नहीं छीन सकते, इवन कि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो भी। पब्लिक में तो छीन ही नहीं सकते, प्राइवेट में भी आपके पास छीनने का कोई अधिकार नहीं होता अगर अगर उसके पास फुल्ली पेड शेयर है तो, है ना। अब कॉमन सील के बारे में बात करते हैं। तो जब मैंने कंपनी का डेफिनेशन दिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी की कॉमन सील होती है ना, जिसका इस्तेमाल जो है हर एक जगह पे किया जाता है, राइट। सो अ कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोड विद बॉडी और नेचुरल बीइंग। तो एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास कोई बॉडी तो है नहीं, कोई नेचुरल वो बीइंग तो है नहीं, देयरफॉर इट हैज टू वर्क थ्रू इट्स डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। तो इस केस में उनको जो है अपने डायरेक्टर्स के जरिए, आई मीन कंपनी को जो है अपने डायरेक्टर्स के जरिए, अपने ऑफिसर्स के जरिए या फिर अपने अदर एम्प्लॉइज के जरिए जो है उनको चलाना होता है उस कंपनी को। बट इट कैन बी हेल्ड बाउंड बाई ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच बेयर इट्स सिग्नेचर। लेकिन आप उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो किसी भी एक्टिविटी के लिए जिसपे उनके उनका सील होगा, जिनके जिन पे उनका सिग्नेचर होगा। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। कॉमन सील जो होता है वो किसी भी कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, राइट। इस लाइन को आपने याद रखना है और इसको लिखना भी है एग्जामिनेशन में। अ मेटालिक सील शुड बी यूज्ड, एक मेटालिक सील यहाँ पे होना चाहिए। अ कंपनी मे हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन द सेम। एक कंपनी के पास एक कॉमन सील हो सकता है जिसके ऊपर उस कंपनी का नाम भी लिखा हो सकता है, तो उसको भी आपको वैलिड मानना पड़ेगा। तो एक कंपनी का जो है एक कॉमन सील होता है, और इसके रिगार्डिंग जो रूल है यहाँ पे वो बताया गया है, आप चाहो तो इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे फीचर्स आपको बता रहा हूँ, ना कि फीचर्स के फीचर्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 9वें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंपनी मे बी सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। तो एक कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है या एक कंपनी किसी और कंपनी के ऊपर केस कर सकती है या फिर किसी पर्सन के ऊपर केस कर सकती है, ये अधिकार जो है कंपनी को दिया गया है। तो जिस तरीके से आपको मैंने आपको बताया कि कंपनी जो होती है वो एक पर्सन होती है, एक व्यक्ति होती है, तो उसके पास भी अधिकार होता है कि वो किसी को केस में घसीट सके या खुद को भी केस में घसीटवा सके, मतलब कोई और भी उसके ऊपर केस कर सकता है। As juristic person, company can be sued and be sued on its own name. This is so because the company has a separate legal assistance. अब इनका एक separate legal assistance है, तो उसीलिए उनको जो है sue किया जा सकता है। A company may enter into contracts and can enforce the contractual rights against others, and it can be sued by others if it commits a breach of contract. है ना। तो सपोज एक कंपनी आया, एक कंपनी के साथ कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा और कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट किया या ब्रीच किया, तो उस केस में जो लोग हैं वो कंपनी के ऊपर केस करेंगे, ना कि लोगों के ऊपर। कंपनी के ऊपर केस करेगी कि आपने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करा है तो आपके ऊपर हम ये केस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो काफी लंबा हो गया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करा है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। आई होप कि आपको फिर भी ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट और शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।